मैं उज्जैन में आकांक्षा पिवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ अभय न्यूज के 13 मार्च रविवार दोपहर के बुलेटिन में। आइए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। मालवा पत्रकारिता उत्सव के दूसरे दिन में वरिष्ठ मीडिया कर्मियों ने पत्रकारिता पर बेहतरीन संवाद किया। समाज के साथ संवाद करने की विधा को उन्होंने आजादी के आंदोलन से भी जोड़ा। इस दौरान प्रेस क्लब की पुस्तिका पत्रकारिता का नया दौर का विमोचन भी किया गया है। दूसरे दिन के कार्यक्रम के अतिथि सहारा समय के उपेंद्र राय, वरिष्ठ मीडिया कर्मी परवेज अहमद, रामशरण जोशी और भाजपा नेता रघुनंदन शर्मा थे। परवेज अहमद ने कहा कि हमें पत्रकारिता को जानने के लिए हमारे अपने पूर्वजों के काम को देखना चाहिए, जैसे राजेंद्र कुमार माथुर। एक आदमी जो मन से ईमानदार होता है उससे ही अच्छे काम होते हैं। मन में अगर घपला हो जाता है तो काम में भी घपला हो जाता है। राजेंद्र माथुर के समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने साफ कहा कि मैं किसी नेता के घर नहीं जाता, राजीव गांधी खुद उनके घर गए। ये बात उन्होंने कभी किसी को नहीं बताई। जानने के लिए थोड़ा अगर पीछे जाएं, और जानना भी चाहिए, जैसे इतिहास में हम राजा महाराजाओं की कहानियां पढ़ते हैं, तो हमें पत्रकारिता में जो हमारे पीछे लोग चले गए हैं उनकी कहानियां सुनना चाहिए कि उन्होंने क्या दौर देखा और उन्होंने क्या चीजें देखी और वो कैसे चीजों को करते थे, तब हमें आज की चीजों का सही फोकस समझ में आएगा। जैसे उन्होंने नाम लिया था राजेंद्र माथुर साहब का, आधुनिक युग के सबसे बड़े पत्रकार, और हम सौभाग्यशाली हैं कि मुझे 11 साल तक उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का मौका मिला। जोशी जी बैठे हैं जिन्होंने 2500 साल उनके साथ काम किया। तो एक आदमी जो मन से ईमानदार होता है, मन से कमिटेड होता है, वही सारे काम अच्छे से करने से उम्मीद करते हैं। जहाँ घपला मन में हो जाता है तो काम में भी घपला हो जाता है। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने माथुर जी को इनवाइट किया, अपने घर बुलाया कि मैं आपसे सलाह करना चाहता हूँ। माथुर जी ने बहुत ही विनम्रतापूर्वक उनसे कहा कि मैं किसी नेता के घर नहीं जाता, बशर्ते वो मेरा पुराना परिचित या दोस्त ना हो। तो राजीव गांधी उनके घर आ गए और ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई। कोई प्रचार नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई इश्तिहार नहीं। वो तो मैं एक बार घर गया तो घर में मुझे पता चला। उन्होंने सस्ती मना किया, ये बात बहुत व्यक्तिगत बताना नहीं किसी को। सहारा समय के एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय ने कहा कि इस धरती पर महात्मा गांधी पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने 70,000 पत्र अपने हाथ से लिखे और आम आदमी को जवाब दिया। उन्होंने कई अखबार भी निकाले और अखबार निकालने के पीछे उनका मंतव्य साफ था। हाल ही में रिलीज कश्मीर फाइल्स फिल्म की राय ने सराहना की। राय ने कहा कि फिल्म में कश्मीर के दर्दनाक पहलुओं की खूबसूरती से व्याख्या की। राय ने कहा कि आज के बच्चे के सामने दशहरी आम और माजा की बोतल रख दो तो वह माजा की बोतल पर दिख रही परी की कल्पना करता है। इस बात से मना नहीं कर सकता और राजी हुए बिना नहीं रह सकता। इस हिंदुस्तान की धरती पर महात्मा गांधी इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने हाथ से 70,000 पत्र लिखे और आम लोगों के पत्रों का जवाब दिया। ये तो एक बात है, ऐसी हजारों बातें उनके व्यक्तित्व में थी। उन्होंने कई अखबार भी निकाले और अखबार निकालने के पीछे जो उनका जो कश्मीर में हिंदू परिवारों के साथ हुआ और जिस तरीके से चीज़ों को कभी सामने इतिहास के रूप में, दस्तावेज के रूप में प्रकट नहीं किया गया, इस फिल्म ने बहुत बेहतर तरीके से इसको प्रकट किया है, दिखाया है कि अगर आज के जमाने के बच्चों को 4 ताजे दशहरी आम सामने रख दीजिए और एक माजा की बोतल रख दीजिए, बच्चे को दशहरी आम के गुणों के बारे में नहीं पता, वो माजा की बोतल को देखता है कि उसमें परी आती है और समा जाती है, तो परी ने उसके दिमागों दिल दिमाग पर जो असर डाल रखा है। कालिदास संकुल में हुए आयोजन में कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर विवेक चौरसिया ने किया। अतिथियों का स्वागत वरिष्ठ पत्रकार सुनील जैन और प्रेस क्लब अध्यक्ष विशाल सिंह हाड़ा ने किया। देखिए, आज प्रेस क्लब का जो अपना महोत्सव चल रहा है उसका आज दूसरा दिन है और समापन का दिन है। आज समापन के अवसर पर वरिष्ठ जो भाजपा नेता हैं रघुनंदन जी शर्मा, वो आज मंच पर हैं। उपेंद्र राय साहब मंच पर हैं, पाठक जी मंच पर हैं, अपने उज्जैन से ही निकले हुए परवेज भाई साहब भी मंच पर हैं। उनका एक सेशन चल रहा है। इस सेशन के बाद कुछ पत्रकारों को, जो मालवा के पत्रकार हैं, जो मालवा में रह के काम किए हैं और बाहर जाके अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन पत्रकारों का आज प्रेस क्लब सम्मान करने जा रहा है। और कोशिश पूरी है कि इस आयोजन आज चूँकि अंतिम दिवस है, ख़त्म होने वाला है, तो हम आज के बाद हर साल इस कार्यक्रम को करें, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी, जिससे कि मालवा पत्रकारिता महोत्सव उज्जैन से पूरे देश भर में इसकी पहचान बने, देश भर के लोगों को हम बुलाएं, क्योंकि यहाँ के लोग देश भर में हैं, तो हम उन्हें याद करें, हर साल उन्हें यहाँ पर बुलाकर सम्मानित करें, उनसे सुने कि आगामी पत्रकारिता का दौर क्या है, उस पर बात करेंगे। तो आज समापन अवसर है। सभी पत्रकार साथियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने पूरी कोशिश की इस कार्यक्रम को सफल बनाने की और कार्यक्रम सफल रहा। बीते
जज्बा सोशल फाउंडेशन की जानिब ने मुस्लिम युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन रविवार सुबह इंदौर रोड स्थित आशीर्वाद गार्डन में आयोजित किया। इसमें मध्य प्रदेश सहित गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ के साथ ही विदेशों से भी अभिभावक रिश्ते की तलाश में पहुंचे। 500 से अधिक युवक युवतियों ने पंजीयन करवाया है। आशीर्वाद गार्डन में सुबह से ही चहल पहल बनी हुई है। सुबह से ही परिजन अपने बच्चों के लिए जीवन साथी की तलाश में पहुंचे। मंच से युवक युवतियों ने परिचय दिया और उन्हें कैसा जीवन साथी चाहिए यह भी बताया। परिचय सम्मेलन में 4 मेगा स्क्रीन लगाई गई हैं, जिसमें 2 पर युवतियों और 2 पर युवकों का बायोडाटा प्रदर्शित किया गया। यह आयोजन शाम तक चलेगा। इस दौरान सम्मेलन में शामिल परिवार को एक पुस्तक भी भेंट की जाएगी, जिसमें प्रविष्टियों की जानकारी होगी। जिस तरह से गैर मुस्लिमों में हम बरसा बरस से देखते आ रहे हैं, परिचय सम्मेलन का जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट वही है, लेकिन उसको शरीयत के दायरे में किस तरह से किया जाए, ये एक बिल्कुल न्यू थीम है। हमने आज से 9 साल पहले इसकी शुरुआत की थी। बहुत ही इनकलाबी तहरीक है, ये इनकलाबी मिशन है मजहब इस्लाम में। इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं हुआ करता है, ख़ासतौर से पर्दे का रिवाज है। तो हमने एक शुरुआत की थी 2012 से, पर्दे का ख्याल रखते हुए मसरूआत का औरतों का इंतज़ाम बिल्कुल हमने अलहदा किया है। अब इन दोनों को किस तरह से जोड़ा जाए, तो उसके लिए हमने बड़ी बड़ी 4 मेगा स्क्रीन यहाँ पर लगाई हैं, जिनमें 2 स्क्रीन पर लड़कियों का बैटर दिखाया जाता है और 2 स्क्रीन पर लड़कों का बैटर दिखाया जाता है। सेम प्रोसेस लेडीज़ के अंदर चलता है, लेडीज़ वहाँ पर बैटर देखती हैं, जो लड़कियाँ देखने के लिए आई हैं वो लड़कियाँ वहाँ पर इंट्रोडक्शन भी देती हैं, और उसी तरह से जेंट्स के प्रोग्राम में लड़के स्टेज पर आकर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, और अगर जो भी रिश्ते तय हो जाते हैं तो फिर बाद में शादी का मामला होता है। चाय दुकान कर्मचारी के खाते में भारी भरकम राशि जमा होने का मामला उलझ गया है। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि इंदौर की 2 कंपनियों से चाय वाले के खाते में रुपया डाला गया और फिर राशि इंदौर की कंपनी में ट्रांसफर कर दी गई। चिमनगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले राहुल मालवी के खातों में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन होने से शहर में मामला गरमाया हुआ है। राहुल को इंदौर के एक युवक ने बैंक खाते खुलवाने के बदले हर महीने 15,000 रुपए देने का वादा किया था। राहुल के खाते में इंदौर की 2 कंपनी शिवटेक और स्टार इंटरनेशनल के मार्फत 2 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए गए। फिर ये राशि राहुल के खाते से फ्यूचर हॉप टेक्नोलॉजी की तरफ ट्रांसफर होता रहा। ये गड़बड़ी पकड़ में ही नहीं आती यदि राहुल ने इस राशि में से 23 लाख रुपए मकान खरीदने के लिए नहीं निकाले होते। ये रुपए निकालने से नाराज इंदौर के युवक ने न सिर्फ राहुल के साथ मारापीटी की, बल्कि जबरन मकान की रजिस्ट्री अपने एक दोस्त के नाम करा दी। ऐसे में राहुल रिपोर्ट लिखाने पहुंचा तो उसका मददगार बने युवक ने एक पुलिस अधिकारी के जरिए मामला सुलझाने के लिए 5 लाख रुपए की मांग की। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है और वह भौचक है कि राशि का अगर ट्रांजैक्शन कंपनियों को एक दूसरे को करना ही था तो राहुल के खाते को जरिया क्यों बनाया गया। अगर राशि एक नंबर की थी तो यह सीधे किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफर हो सकती थी, जबकि इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। गर्मी के मौसम में छपा क्यारे तैराकी का आनंद आप भी ले सकते हैं। माँ शिप्रा तैराकी दल ने 18 साल से ऊपर की उम्र वालों को तैराकी सिखाने की पहल की है। इसके लिए रामघाट पर शिविर शुरू किया गया। 15 दिनी शिविर का शुभारंभ रविवार को किया गया है। माँ शिप्रा तैराकी दल हर साल निःशुल्क तैराकी सिखाने के लिए शिविर आयोजित करता है। इस बार ये शिविर 13 से 27 मार्च तक रामघाट पर आयोजित किया गया। दल के संतोष सोलंकी ने बताया कि 15 दिवसीय शिविर में 18 साल की उम्र के बच्चों को तैराकी सिखाई जाएगी। आमतौर पर पानी में डूबने के हादसे तभी होते हैं जब तैरना नहीं आता है, इसलिए यह शिविर लगाया गया है ताकि हादसा ना हो। तैराकी माँ शिप्रा तैराकी दल द्वारा हम लोग यहाँ पर तैराकी शिविर लगाया है। 15 दिवसीय तैराकी शिविर है, जो इस शिविर को सिर्फ जो बड़े लोग होते हैं 18 वर्ष से उनके लिए, बच्चे भी आ सकते हैं, पर विशेष हमने 18 वर्ष के ऊपर का रखा। जैसे कई लोग नहाने के लिए कहीं चले जाते हैं आसपास, जहां गहरे पानी में होने के कारण डूब जाते हैं और कहीं अपनी व्यवस्था घर परिवारों की प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमने इसी को देखते हुए हम लोगों ने विशेष करके यहां पर शिविर लगाया है कि उन्हें इतना तैरना सिखा दे, कहीं भी वो पानी के अंदर जाए तो गिरे तो कम से कम बचकर अपने घर पर वापस सुरक्षित आ जाए। कोरोना की तीसरी लहर अब शहर में समाप्ति की ओर है। शनिवार को आए कोरोना बुलेटिन में एक भी नया पॉजिटिव नहीं मिला है।
दरअसल कोरोना का प्रभाव अब कम हो रहा है। शनिवार के कोरोना बुलेटिन में एक भी नया पॉजिटिव नहीं मिला। अब शहर में केवल 15 एक्टिव केस रह गए हैं। ये सभी होम आइसोलेशन में है। पॉजिटिविटी रेट भी 0% पहुंच गया है। नए संक्रमित नहीं मिलने से शहर ने भी राहत की सांस ली है। उम्मीद की जा रही है कि इसी सप्ताह में यह संख्या 0 पर पहुंच जाएगी। कृषि उपज मंडी में काम करने वाले एक हम्माल का शव बरामद हुआ है। वह नशे का आदि था। शव का पीएम जिला अस्पताल में कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सही स्थिति स्पष्ट होगी। ढांचा भवन का मनोज पिता रामदयाल ललावत कृषि उपज मंडी में हम्माली का काम करता था। रविवार सुबह उसका शव मिला। परिजनों के अनुसार सुबह देर तक जब वह नहीं उठा तो उसके कमरे का गेट खटखटाया गया। दरवाजा नहीं खुलने पर छत की लोहे की चादर हटाकर देखा तो मनोज का शव पड़ा था। शव उतारकर जिला अस्पताल लाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मनोज शराब और भांग का नशा करता था। एक बच्ची का पिता था। हालांकि उसका पत्नी से 11 साल पहले तलाक हो चुका है। सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मीकांत गौतम के अनुसार घटनास्थल से सुसाइड नोट नहीं मिला है। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के बयान दर्ज कर जांच शुरू की जाएगी। गैलेक्सी स्क्वायर अ कंप्लीट लाइटिंग सॉल्यूशन, एक स्थान सो समाधान। आपके लाए हैं सबसे कम रेट में बेस्ट क्वालिटी लाइट्स एंड एक्सेसरीज, एलईडी लाइट्स, एलईडी पैनल, सेविक वेस्टर्न, विनय एंकर स्विच, हैवी क्वालिटी रूप लाइट एंड ऑल एक्सेसरीज जो चले सालों साल। सूर्या, बजाज, ओरिएंट, ब्लू सीलिंग फैन, कूलर, मोटर, गीजर जो आप एक बार लगाएंगे तो सालों की छुट्टी पाएंगे। होलसेल रेट में उपलब्ध है एलईडी फ्लड लाइट, एलईडी स्ट्रीट लाइट, एलईडी पार लाइट, एलईडी सीरीज, ऑल डेकोरेशन आइटम्स एंड हैंडमेड सीरीज। आपका 40 सालों का विश्वास हमारे साथ। गैलेक्सी स्क्वायर 1982 से शहर को दे रहा है कंप्लीट लाइट सॉल्यूशन। होलसेल एंड रिटेल रेट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल गुड्स। गैलेक्सी स्क्वायर, C6 पंडित दीनदयाल कॉम्प्लेक्स, सावे रोड, उज्जैन। कॉन्टैक्ट 9752843852। तो आपने देखा अभय न्यूज़ का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।